अच्छा सुनो, अब हम आपको पूछते हैं, बच्चे इस दुनिया में कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे भगवान की देन है। आसमान से एक फरिश्ता आता है, फूलों की पंखुड़ियों में लपेटकर बच्चे को लाता है और माँ की गोद में छोड़कर चला जाता है। सुना? क्या सुना, आंटी को तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बच्चे तुम्हारे ही हो सकते हैं। यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं, नो गर्लफ्रेंड। क्या तुम किसी लड़की को चाहते हो? हाँ, एक लड़की है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मुझे चाहती कि नहीं। कौन है वो? हाँ? समीर, मैं आने वाले बच्चों की बात नहीं कर रही, उन बच्चों का क्या जो ऑलरेडी है। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? इसका बच्चे? अरे मेरे नहीं, तुम्हारे बच्चे। मेरे बच्चे? ये कंसर्न है समीर, यू आर टू मच। बीवी से झगड़ा हुआ तो क्या तुम बच्चों को भी ठुकरा दोगे? वो भी दो दो बच्चों को। नैना बच्चों को लेके आई थी क्या? नैना बच्चों को लेके आई थी? हाँ। इतना जिद्दी लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और देखोगी भी नहीं, अब तो बहुत दिनों का साथ है, देखती रहना। राजी, मुझे बताए तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? क्या सोचती हूँ? मैं नहीं बताऊंगा। अरे प्लीज बताओ ना। उससे अकेले में बात की तो तुम्हें गुस्सा आया, पर उससे सिस्टर कहने से तुम खुश हो गई। मैं सब समझ गया प्राची। समझ गए? क्या समझे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बिना बताए कैसे समझूंगी, प्लीज बताओ ना मुझे। हाँ मुझे। तुमसे? तुमसे? मैं नहीं बताऊंगा। बताओ ना प्लीज। अब बता भी तो क्या चल रहा है मेरे मन में। जब मैंने तुमसे कहा कि वो मुझे अपना भाई मानती है, तब तुम्हारा मन भी कह रहा है कि तुम मुझे भाई कहो। तुम वैसे नहीं हो, मैं ही तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। गलत ही सोचती रहो, चलेगा, लेकिन मेरे बारे में सोचती रहो बस। अगर मैं कहूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए 1 करोड़ का चेक नहीं, लेकिन बहुत सारा प्यार है, तो अगर मैं कहूं राहुल आई लव यू, विल यू मैरी मी? तो मुझे क्यों ऐसा लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्योंकि नहीं करती और मुझसे शादी नहीं करना चाहती। राइट? नहीं करना चाहती। ए, इस बार गड़बड़ की ना तो हाथ पकड़ के मंडप तो ले जाऊंगा। जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? करनी पड़ेगी। इतनी हिम्मत है? आजमा के देख लो। हेलो, ये कोई टाइम है वापस आने का? अरे किस नहीं कर रहा हूँ, सीटी बजाना चाह रहा हूँ क्योंकि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा? पलट।